बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप एक्सरसाइज़ का नंबर क्लास और सर नंबर लिखें तो आपके सामने उस एक्सरसाइज़ के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे एक क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्यूब कौन सी शेप होती है जिसकी आ, लंबाई चौड़ाई और हाइट बुलंदी वो भी दी होती है और तमाम की तमाम की लेंथ इक्वल होती है लंबाई भी उतनी होती है चौड़ाई भी उतनी होती है और उसकी बुलंदी या हाइट भी उसकी उतनी होती है से इक्वल होती हैं तीनों चीज़ें ही इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स साइज इज़ तो ये तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं तो तीनों में इसका सरफेस एरिया मालूम करना है तो जैसा कि हमें पता है कि जो क्यूब होता है ना इस तरह करके ये देखें तो क्यूब की जो होती है ना तमाम साइडें जैसे ये साइड नंबर वन बैक पे साइड नंबर टू होगी फिर ऊपर साइड नंबर थ्री है नीचे इसके फोर है फिर इधर फाइव है और बैक साइड पे सिक्स है टोटल छः साइडें होती हैं तो ये जो ऊपर इसकी जो सरफेस है ना उप, उ, जो ऊपर वाली तय एक यानी एक बॉक्स का हमने एरिया मालूम करना है तो इसमें जो क्यूब होता है इसके जो बॉक्स होते हैं ना ये वाली जो साइडें होती हैं ये स्क्वेयर शेप में होती है, तो छे छे हैं तो छः की छः साइडें स्क्यर शेप में होंगी तो जितना एक साइड का एरिया होगा उसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तमाम साइडों का सरफेस एरिया आ जाएगा तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब तो अब हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना है सर्फेस एरिया आपने चाहे पूरे स्पेलिंग इसके लिख लेने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्यूब का सरफेस एरिया तो जब एक साइड का जो एरिया होगा ना उसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो क्योंकि टोटल इसकी सिक्स साइड है तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब के अंदर डायरेक्ट सर्विस एरिया आ जाता है लेकिन जो क्यूब वाइड होता है ना उसमें थोड़ा सा फार्मूला और हो जाएगा इसमें ऐसे ही कर लें आप अब एट लेंथ एट है एट मल्टीप्लाई बाय एट एट को एट से मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटी फोर अब सिक्सटी फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री हंड्रेड एटी फोर इसमें क्योंकि दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसलिए इसका सेंटीमीटर स्क्वेयर या वैसे कह लें एरिया के यूनिट के साथ स्क्यर आता है तो ये बेटा इसका एक पार्ट हो गया इसका बेटा जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में एक साइड की जो लेंथ है क्यूब की वो ट्वेल्व है मीटर में दी हुई है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्योंकि इसकी छः की छः जो साइड हैं वो इक्वल होती हैं इसलिए एक साइड का एरिया मालूम करके उसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी एक साइड की लेंथ 12 है 12 और मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लें ट्वेल्व ट्वेल्व होता है वन फोर्टी फोर होता है अब वन फोर्टी फोर को सिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एट हंड्रेड सिक्सटी फोर इसका क्योंकि यूनिट मीटर था तो मीटर स्क्वेयर तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया अब इसका थर्ड पार्ट है लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब ट्वेंटी मिली mm, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्यूब की क्योंकि छः की छः साइड इक्वल होती है इसलिए एक साइड का एरिया मालूम मालूम करके सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें लेंथ है ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी पहले ट्वेंटी को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर लें ट्वेंटी को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फोर हंड्रेड अब फोर हंड्रेड को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स फोर था ट्वेंटी फोर और दो जीरो के दो जीरो आ गए मिलीमीटर mm, स्क्वेयर यह जो भी यूनिट होगा ये यूनिट हमने इसके साथ लिख देना होता है एरिया और ऊपर स्क्वेयर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है ओके अल्लाह हाफिज़